कर कृपा दूजी है तीजी है चौथी है पंजवी इस तरह गुरु नानक के घर कलासा ने कोई साढ़े चो अजे पहली च कोई दूजी च कोई तीजी च कोई चौथी च फिर कोई कबीर वर्गा डबल एम ए च पहुंच जाता है तू तू करता हर चीज की अपनी अपनी पौड़ी है। अज पहली क्लास का जिक्र होएगा तो यह थोड़ा पहली क्लास का जिक्र है तो मेरा ख्याल तो सारिया से कृपा होएगी और चलना इतों ही पेगा ता ही प्रकरण पूरा हर चीज की अवस्था है जिमें महापुरश कहते रटना जपना ध्याना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਟਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਪਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਵੇ ਅਗਲੀ ਟੱਪੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ਸੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
गुरु ग्रंथ साहब न जोड़न वाले हैं। और इस जिक्र नूं गुरु अर्जन देव जी ने भी प्रतख किया, कहिंदे बिसर गई सब तात पराई। महाराज ये क्लास किवें मिल गई, इत्थे पहुंच गए, पराई पराया बुरा मंगना खत्म हो गया। उस वेले गुरु अर्जन देव जी ने किया जिक्र, ये क्लास मैनू वो तो पूरा ही सी सानू समझाया, ये क्लास किवें मिली, कहिंदे बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। आखो सतनाम। ते आओ गुरु नानक दे घर दीआं क्लासां दा प्रकरण महाराज ये नवा अज शुरू करा रहे हैं। ते गुरु नानक दे घर दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न दे लई उद्दम करना। गज के आखो सतनाम। तुसी गुरबाणी पढ़ो, तुहाडे कन्न सुणन, भावें अजे उत्थे नहीं पहुंचे, जो गुरबाणी पढ़ रहे हो उन्हों मनीए, अजे उत्थे नहीं। इस स्टार्टिंग पहली क्लास गुरबाणी पढ़न का ही उद्दम करना। आखो सतनाम। ये महापुरशां दा बचन ने कहिंदे गुरबाणी गंदे पलीत मना लई साबण है। आखो सतनाम। बहुत ध्यान, पलीत लला आया, पनीत नहीं। गुरबाणी गंदे पलीत मना लई साबण है, ते रोगी मना लई गुरबाणी दवाई है। मन टिके ना टिके गुरबाणी पढ़न दा उदम ना छड्डो, एक दिन पढ़दे पढ़दे रस आई जाए। पहली क्लास गुरबाणी पढ़न लई सिर्फ उदम करना। गुरु नानक दे घर दी दूजी क्लास कहिंदे संगत विच आण नाल मन पुणिया जांदा, चंगे ते मंदे दी पछाण हो जांदी। तुसीं घर चाह पुण दिओ, पत्ती आ गई पौणी, चाह थल्लिआ कोई चीज़ पुणी जाणी। ये गुरु नानक दे घर दी दूजी क्लास से मन पुणिया गया, मन नूं चंगे मंदे दी पछाण हो गई है, मंदे छड्डे नहीं अजे। आखो सतनाम। हाँ, बहुत ध्यान दिओ, सर पछाण हो गई दूजी क्लास, पहले पता ही नहीं सी, मांस ना खाइए। अज्ञानी ने या किसे ने एक कह दिता है जीवा दी हत्या कर लो, पर जद संगत च आके जन सुनिया ते कहंदे अजे मांस छड़िया नहीं पर मन पौणिया गया। गज के आखो सतनाम। मेरा प्यो आ कहिंदा मैं आ कर रहा, सिर पुणिया जाना। कि बाबे नानक दे स्कूल दी दूजी क्लास है, चंगे मंदे दी सिर पछाण हो गई है, की चंगा है की मंदा, छड्डिया नहीं मंदा, वो अगलियां क्लासां च आएगा। गुरु नानक दे घर दी तीजी क्लास चंगे कम्मां वल रुझान वधदा, माड़े कम्मां वल रुझान घटदा। गाई के आखो सतनाम। पूरा चंगा नहीं बनिया, आ शुरू हो गया काम। चंगे कम्मां वल रुझान वधदा पिया, माड़े कम्मां वल रुझान घटदा पिया। बहुत संगतां आप जी बच्चों कई बार सवाल कर दी है, साडा मन नहीं जुड़ता। आ दो तहवां ने साडे अंदर, एक है पुन्ना दी तह, एक है पापा दी। जद तक तुहाडी मेरी पापा दी तह उच्ची है, पुन्ना दी नीवी है, तुहाडा मन नहीं जुड़े। कई कहिंदे मन नहीं जुड़ता, बाणी पढ़नी छड़ दी, नहीं लगे रहो, एक दिन कृपा हो जाए चंगे कम्मां दा रुझान वधी जाए, दूजे हौली हौली घटी जाण, चंगिआं दा वधी जाए दूजे घटी जाण, बाणी नाल चलदी रहे ते की हुंदा है, एक दिन इहो जिहा आ जांदा चंगे कम्मां दा रुझान वधदे वधदे दूजिआं दा घटदे घटदे, पुन्ना दी तै एक दिन उच्ची हो जांदी है, पापां दी नीवी हो जांदी है। एक कदी नोट करियो, पुन्ना दी तै उत्ते जाण दी देर है, तुहाडा मन जुड़ना शुरू हो जाए। शुभ कम्मां वल रुचि वध जानी, माड़े कम्मां वल रुचि घट जानी, ये गुरु नानक दे घर दी तीजी क्लास है। बहुत ध्यान देना, गुरु नानक दे स्कूल दी चौथी क्लास
कहिंदे इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जाए। गज के हक सतनाम। इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। किनों कहिंदे है? नेत्रां दियां इंद्रियां। गज के आखो सतनाम। कन्नां दियां इंद्रियां, रसना दी इंद्री, सब तो वड्डा मन दी इंद्री, वाशनावां दियां इंद्रियां, स्पर्श दियां इंद्रियां। गुरु नानक दे घर दी चौथी कलास साध संगत एक हुंदा है। ये इंद्रियां सानू नचांदियां। एक है भी चौथी कलास जिहड़ा गुरबाणी पढ़न दा उदों होया, चंगे मंदे दी पछाण होई, चंगे कम्मां वल रुचि वधी। हुण चौथी कलास कहिंदे इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो गया। गज के आखो सतनाम। जरूर झाती पाओ नेत्रां दी इंद्री ते कंट्रोल होया कि नहीं। एडा जरूरी है। बाबा नंद सिंह जी का वचन है, कहिंदे दो पाड़ सुखमनी साहब की हाजरी लालै, जे नेत्रां दियां इंद्रियां ते कंट्रोल नहीं होया, इन्हां नेत्रां ने कंट्रोल नहीं कीता, तीन चार घंटे कोई रंग तमाशे देख ले, दो पाड़ सुखमनी साहब नाल जिन्ने पुन बने होणगे, इह इंद्री ते कंट्रोल नहीं, दो तीन घंटे रंग तमाशे वेख ले, सारे पुन सड़ जाणगे। एडा तकड़ा नुकसान है। नहीं इंद्रियां कंट्रोल चाहियां ते वेख लो, गुरबाणी ने कहा नैण ना देखे साध से नैण व्याले, करण ना सुन ही नाद करण मुंद कर लिया। तो हुण पॉजिटिव सुने जेड़े चौथी च आ गए, टीवी लाओ रखो, टीवी नहीं माड़ा। बाबा नंद सिंह जी का बचन है, गिलास का कसूर नहीं, गिलास विच अमृत पीना है, यार पीना है, पीण वाले ने वेखना है। टीवी च अमृत भी आ रहा है, वह वेखिए। हुण तुहाडे चों मान लो जिहदे ते किरपा है, टीवी ते कोई चीज़ गलत नहीं लाता, समझ लो भी बाबे ने मैनूं चौथी च करता है। हको सतनाम। तुहाडे तों जिहदे ते भी किरपा है, रसना कंट्रोल च हो गई है, कोई दूजे पासे मास दूजे पासे नहीं जाती, समझ लो भी गुरु नानक मैनूं चौथी च लै गए। आखो सतनाम। जिहदे ते भी किरपा वी कन्नां नूं इंद्री कंट्रोल च है, की सुनना की नहीं सुनना, रहमत हो गई है, तो समझ लो भी बाबा जी मैनू इत्थे करके लै गए ने, एक अंदाजा। आखो सतनाम। गुरु नानक दे स्कूल दी पंजवीं कलास कुछ पुन दान करन वल रुचि वधनी शुरू हो जाती है। आखो सतनाम। बहुत ध्यान देना, मन मरना शुरू हो गया, हुण रुचि पुन दान करन वल बन गई है। अज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, यह पंजवीं क्लास है जिन्हां दी रुचि बनती हो, अज मेरे बच्चे का जन्मदिन ने, मैं यारां विधवा बीबिया नूं सूट वंडने ने। आखो सतनाम। दे के खुशी हुंदी है। 15 के 16 हैंड पंपां की सेवा मेरे बैग च पई है। आ कईआं दे जन्मदिन लंघे है, कहिंदे जी पौविंड साहब बाबा दीप सिंह जी दे नगर विच जिस लोड़वंद नूं हैंड पंप लोड़ होवे, घर च पानी दा साधन भी नहीं, लैना च लग के लियाउणा पैंदा है, साडे वल्लों उते हैंड पंप लगवा देना। हुण फिर सिंह भेजांगे जिते जिते लोड़ होए, फिर क्यों जिहड़े काम लई चीज़ आई होवे उत्थे ही ओह पहुँचणी गुरमत है। ये बड़ा ध्यान रखना पैंदा। ये पंजवीं क्लास है। हुण इत्थे ओह बीबियां बैठियां, अगे सुभा सी पुराने कपड़े दे के, ते आ जदों कई वारी आंदे ना गलियां च पुराने कपड़े दे दिओ, आ लै लो आ लै लो, पहले सुभा सी पुराने कपड़े दे के कोई ना कोई चीज़ घर दी उहनां कोलों लै लैणी, ते हुण रुचि वध गई कि हे वाहिगुरु जे मैं नवें वस्त्र दान नहीं कर सकती ते पुराणियां तों कोई चीज़ ना लवां, इह वी उहनां तक भेज देवां जिन्हां लई इह वी बनाउणे औखे ने। कभी आयो भलाई केंद्र आया करो। हुण जिहड़े सानू वस्त्र दे जांदे आ उह असीं ला छड्डदे आ, ते कोई एक सैट ले जा रही, कोई दो ले जा रही है, जिहड़े बिल्कुल रलदे नहीं फिर वक्खरी एक ला दी दा पेटी, कई उहदे चों वी छांड छांड के ले जा रही हैं। उदों अखां चथरू आंदे,
कि कईयां लई पुरानियां चीजां दा भी मुल नहीं पर कई ओ ने जिहड़े इन्हां लई भी सत्संग तरस रहे संसार दुनिया ताई साढ़े बाबे नानक ने कहा यदि कृपा दे नाल जे घर दा गुजारा भी चल रहा ते तां भी शुकराना करिया ओ भी ने जिन्हां दे कोल नवें बस्तर भी पहले सी पुराने बस्तरां तो कुछ घर बना ला हुण की आ गया ये भी किसे दे काम आ जाए दया जाने जी की दया जा जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जां सिख सची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे क्योंकि हुण तक चल रहा सी पुन दान वाल रुचि वधदी है पुन दान वेले माया ही अगे आती है वी दसवंध कढ़ना कोई चीज वस्त्र ये तुहाड़े चो किसे बीबी कोल गुरबाणी दे अर्थ शुद्ध ने कुसे बीबी कोल कीर्तन च बड़ी कृपा है वो भी हफ्ते विच तीन दिन दो दो घंटे अगर एहो जे शरीरां नूं ओ चीज वंड रही है ते पंजवीं कला चो भी दाखिल हो गई है आखो सतनाम गुरु नानक दे घर दी छेवीं कला सत्संग गुरबाणी विचों रस आउणा शुरू हो जाए ये छेवीं कलास प्रथाए बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वालों का बचन है जी थोड़े काम आने वाला उन्हों का बचन मिलिया किताबों चो कहिंदे रस प्राप्त करन लई ये उन्हों का बचन है कहिंदे रस प्राप्त करन लई कालेपण का त्याग करना पवे बड़ी डूंगी गल जे तेनों समझ लेना जे जिंदगी च कालापन है तो रस शायद फिर दूर है उन्हां दा बच्चन कहिंदे रस प्राप्त करन लई कालेपन दा त्याग करना पड़े कालेपन तुहानूं पता ही होएगा दो होंदे ने कालेपन दो होंदे एक होंदा है बंदा दिन दे अपने काम बहुत काली नाल करदा है एक कालापन होंदा एक कालापन दूजा होंदा कि बंदा काला जल्दी पै जांदा है आप सतनाम कहिंदे जे अपने जीवन दे दुनियावी काम बहुत काली ना करेगा तो तेरा मन हजूरी चो निकल जाएगा रस चो निकल जाएगा जेड़ा बंदा निकी निकी गल ते काला पै जावे वो भी सत्संग जी फिर अपना रस तोड़ के बह जाए ये दूजा बचन सुने गुरबाणी ते नाम दा रस रब ने डूंगा रखिया होया हक सतनाम साढ़े शरीर च ना इहनूं बड़ा डूंगा रखिया महाराज उत्ते उत्ते नहीं रखिया जल्दी मिल जाए ये दूजा बचन महापुरशां दा गुरबाणी ते नाम दा रस रब ने बहुत डूंगा रखिया है ते कहिंदे नीवे मन नाल कीती अरदास सदका सतगुरु आपे ही दे देंदा है गुरु नानक दे स्कूल दी सतवीं कलास जेड़ा तुहाडे चो सतवीं कलास च पहुंच गया है सतवीं कलास मन सतवीं कलास मन गुरबाणी की डूंगाई ते खोज विच जाना शुरू हो जाता है आखो सतनाम एक है गुरबाणी पढ़ रहे हो एक सवास विच कष्टपदी पूरी हो रही यह भी वखरा रस हुण सतवीं कलास से मन गुरबाणी की खोज ते डूंगाई ते जाना शुरू हो गया राम
ਸਲਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਖੋਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਾਂ ਦੋ ਅੰਗ ਵੀ ਖੋਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵੇ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖੰਡਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੁਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀਣ ਲਈ ਖਾਣਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀਣ ਲਈ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਤਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਤਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਭੈਣੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸੈਨ ਸਮਾਵੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਖਾਏ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭੜਕੀਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੋ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋ
झूठ बोलो, चोरी करिए, करम गलत बनना, जी हत्या करिए। मैं ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का वचन पढ़ के हैरान हो गया कि जे कोई गलत पहरावा पाउंदा उहदा भी करम गलत बनता। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का वचन है, कहिंदे गलत लिबास नूं आपे समझ आना, ये उन्हां दा बचन है। कहिंदे गलत लिबास जिन्हें पाया हुंदा है, उन्हां दा बचन है, गलत लिबास जिन्हें पाया उहदे मन च भी विकार पैदा करदा है। गलत लिबास पाउण वाले नूं जिहड़ा वेखदा है ना, उहदे भी विकार पैदा करदा है। उह ध्यान देना। ज्ञानी जी ने अगों गल नूं पूरा कीता, कहिंदे जिहड़ा लिबास अपने मन च भी विकार पैदा कर दे ते जिहड़ा उहनूं वेख रहा उहदे अंदर भी विकार पैदा कर दे, उह गलत लिबास पाउण वाला भी पापां दा भागी बणदा है। आखो सतनाम। बहुत वड्डी बात है कि तू इहो जी चीज पाई है कि जिहनूं वेख के दूजे दीआं वाशनावां जागण डईआं ने, कहिंदे तेरा लिबास जे उहदे अंदर विकार पैदा कर रहा ते पापां दा भागी वी तू बणे। गज के आखो सतनाम। होर पहनण खुशी खुआर, होर पहनण खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए, जित पैदे तन पीड़िए, मन में चले बिका, ओए मन में चले बाबा। बाबा होर पहनण, होर पहनण सादा लिबास नहीं, जे होर होर पहनण खुशी खुआर, जित पैदे जिन्हों पाउण नाल निरंकार दी दरगार च तेरा तन पीड़िया जाए। जित पैदे तन पीड़िए, मन में चले, देखो बचन खुल गया उन्हां। कई सारी जिंदगी इस देई नूं भड़कीले कपड़े ते सुगंधियां ला के शिंगार दे रह जांदे ने, पर एक दिन एहो जिहा आंदा कहिंदे ए देई बिना पुछे ते बिना दसे एक छिन च ही बिनस के तेरा साथ छड़ दिंदी। नौवीं कला, पहरावे विच भी सादगी आ जांदी है। बाबे नानक दे स्कूल दी दसवीं क्लास, ये सतगुरां दे स्कूल दी दसवीं क्लास, कहिंदे जगत सुणिओ आ जगत, दसवीं क्लास कहिंदे जगत बिन संहार नजर आउणा शुरू हो जांदा। आखो सतनाम। नजर आउणा, बहुत ध्यान दे, ये अवस्था मैं किवें दसां कि क्लासां टपदिआं टपदिआं इत्थे पहुंच गया कि जगत बिन संहार नजर आउणा शुरू हो गया। दुकान खोलदा गाहक बन जांदा, पर एक चीज नजर आउणी शुरू हो गई है कि कोई पता नहीं ए दुकान छड़ के मैनू केड़े वेले इत्थों जाना पै जाए। आखो सतनाम। ये मैं एक बेनती करदे हां, जिस दिन तुहानू जगत बिन संहार नजर आना शुरू हो जाएगा उस तो बाद तुहानू वैराग की प्राप्ति होगी। विचरदा है लोकां वांग, पर एक महाराज ने बस दसवीं क्लास से चढ़ाता कि जगत हुण बिन संहार नजर आउंदा है। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का वचन, बिन संहार जगत की असलीयत जदों दिस पवे तो सारिया ही आसां मुक जांदियां, आस रहिंदी नहीं। आखो सतनाम। कहिंदे इहो जे बंदे नूं भुख लगे, इहो जे बंदे नूं भुख लगे ते भोजन खांदा, भोजन खाएगा भुख लगे पर लालसा मुक गई है। आखो सतनाम। लूण नाल आ गई है तां वी नंद च, सब्जियां घर वाली ने दो रखतियां तां वी नंद च, तीन रखतियां तां वी नंद च, सादी खा रहा तां वी नंद च। जिहनूं बिन संहार जगत दी असलीयत दिस पवे असां मुक गई है।
रोटी खा रहा है, लालसा मुक गई। ज्ञानी जी ने अगे एक भजन लिखा, वह बंदा है जिन्हों जगत बिन संहार की असलीयत पता लग जाए, आसा मुकनिया किनू कहते, उपजीविका लई धंधा करता है पर धंधे विचों लालच मुक जाता है। आखो सतनाम। दसवीं क्लास जगत बिन संहार नजर आना शुरू हो जाए। गुरु नानक दी यारवीं क्लास स्कूल दी विछोड़ा महसूस होण करके मन हर वेले विराग विच रहिंदा। आखो सतनाम। जिहड़ियां लावां पढ़दे ना विआह ते, इहनां नूं कदी ध्यान ना सुणिओ, जदों तीजी लां आएगी ना पकड़ जा जाएगी। हर तीजड़ी लां मन चाओ भया बैरागी आ। संत जना हर मेल हर पाया वडभागी आ। जिथे मुकदी है ना ना जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन। यारवीं क्लास बारे बाबा नंद सिंह जी का बचन जे बड़े ध्यान नाल सुनियो। विछोड़े विच बाबा जी का बचन, विछोड़े दे वैराग विच, विछोड़े दे वैराग विच आए हुए अथरू, कई बार अथरू आ जाते, छे बज गए सवेरे उठे घड़ी वेखी छे बज गए वैराग आ गया। महाराज अज फिर टुट गया अमृत वेला। हक सतनाम। बाबा नंद सिंह जी का बचन है यारवीं क्लास बारे, कहते विछोड़े दे वैराग विच आए हुए अथरू, साडा कोई ना कोई माड़ा कर्म धो के जाते। बाबा हरभजन सिंह बड़े उन्हों का बचन सुने नानक सारा, कहते रोंदे तो सारे है सारी दुनिया रोंदी। उन्हों का बचन है कहते रोंदे तो सारे है पर वैराग विच निकले अथरू। सुने रोंदे तो सारे ने पर वैराग विच निकले अथरू अनमोल ने। सुने ध्यान है, रोंदे तो सारे ने पर वैराग विच निकले अथरू अनमोल ने। क्यों अनमोल ने, क्यों अनमोल ने, क्योंकि जिहदे लई वैराग आ रहा कलगियां वाले लई ओ अनमोल है। अनमोल असे वैराग आवे ओ अथरू भी अनमोल होंदे। तुसीं जिन्ना नेम करो तुहानू महसूस होवे अजे भी घट है। आखो सतनाम। ये बड़ी प्यारी वस्ता गई है। तुसीं जिन्ना नेम करो तुहानू महसूस होवे अजे भी घट है, ते समझ लैणा वैराग दी मंजिल दे नेड़े पहुंच रहे हो। आखो सतनाम। यारवीं क्लास विछोड़े दे महसूस होण करके मन वैराग च रहिंदा है। बाबे नानक दे स्कूल दी बारहवीं क्लास, बारहवीं क्लास सब तो वड्डा रोग होमे दा उहदे ते कंट्रोल होना शुरू हो जाता। आखो सतनाम। एडी प्यारी क्लास है कि यह बारहवीं क्लास तुहानू जिन्हों ये प्राप्त हो जाए साध संगत कलगिया वाला उहदे नाल ही है। साध संग जिन होमे मारी, साध संग जिन होमे मारी, नानक तां को मिले मुरारी, नानक तां को मिले मुरारी। गुरबाणी की पंक्ति तां बोली दी है सच्ची सरकार की मोहर लग गई। बारहवीं क्लास सब तो वड्डा रोग होमे का उसते तुहाडा कंट्रोल हो जाएगा, या कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। 70-80 पैसे 60 पैसे कवर कर जाओगे। जसवंत सिंह नेकी उन्हां दी किताब है गुरमत मनोविज्ञान, उन्हां दा एक बचन है मैनूं बड़ा चंगा लगा, आप जी दे चरणां च रख रहे हैं जरा ध्यान देना। कहिंदे जिहड़ा आपणा प्यारा बचन जी बड़े ध्यान देना, तुहाडे चों कहिंदे जिहड़ा संगत चों जिहड़ा संगत चों जिहड़ा निम्रता का अभ्यास करता है कहिंदे उह सब तो तकड़ा है। संगत विच जिहड़ा निम्रता का अभ्यास, यह भी अभ्यास है। कई वारी पता नहीं गुरु चैक करता है कि तुहाडा नाम नहीं बोलिया,
या तुहानू फलानी जगह माण के गुरु चैक करता कहिंदे उदों अभ्यास कर निम्रता दा चल नहीं मिलिया माण कहते जेड़ा निम्रता का अभ्यास करता है वह सब तो तकड़ा है गज के आखो सतनाम अखंड कीर्तनी जथे दे भाई रामा जी हुए भाई रामा सिंह जी उन्हां दा एक बचन है बड़े ध्यान नाल सुनियो मैनू बड़ा चंगा लगा कहते होमे विच डुबिया होया मनुख होमे विच डुबिया होया मनुख घालणा घालण दे बावजूद भी मंजिल ते नहीं पहुंचता आखो सतनाम किसी ने बड़ी घालणा घाली चार बजे उठिया बड़ी घालणा घाली रात जागया बड़ी घालणा घाली कई कुछ कीता पर एक होमे नूं कंट्रोल नहीं कर सकिया घालणा घालण दे बावजूद भी मंजिल नहीं मिलेगी आखो सतनाम निम्रता शुभ गुणा विच्चों ऐसा शुभ गुण है निम्रता वाला आप भी शांत हुंदा ते सारे संसार विच शांति बनाण विच सहयोग दिंदा है आखो सतनाम कहिंदे जिथे होमे हुंदी है उत्थे रब भी गैर हाजर हो जांदा है गल के आखो सतनाम होमे इन्नी भैड़ी है रब कहिंदा जिते होमे है उत्थे हुण मैं भी गैर हाजर हाँ तेरी हाजरी मैं गज के आखो सतनाम 12वीं क्लास सब तो वड्डा रोग होमे ते कंट्रोल होना शुरू है बाबे नानक दे सकूल दी 13वीं क्लास वो केड़ी है दैवी गुण आने शुरू हो जाते ने आखो सतनाम बाबा आनंद सिंह जी का बचन है 13वीं क्लास बारे कहिंदे सिखी दिखावे का ना नहीं सबर संतोख सच ते दया इनू कमाउण दा ना सिखी है गज के आखो सतनाम जेड़ा बंदा दैवी गुण एक एक गुण करके भी जिंदगी च लई आवे ते एक दिन वो गुण ही निदान नाल मिल जांदा है आखो सतनाम हुण एकदम ये भी नहीं भी दया भी आ जाए सबर भी आ जाए संतोख भी आ जाए घट खाना भी आ जाए कहिंदे जेड़े बंदे दे जीवन एक एक करके भी ये दैवी गुण आ जाण एक दिन वह गुण ही निदान दे विच मिल जांदा गज के आखो सतनाम बिना दैवी गुणा तो बिना दैवी गुणा तो भगती हो ही नहीं सकती मैं अपने ते लैना मैं 2 घंटे वाहेगुरु करी जावां उस तो बाद 10 मिनट घर दे किसे मैंबर ते या किसे रिश्तेदार ते एहो जा क्रोध बंदा कट दवे जिन्ना तू 2 घंटे जपया वो डुल गया क्यों दैवी गुण आए नहीं बर्दाश्त करन दी शक्ति आई नहीं तेरा जपया संभालिया कि बाबे नानक दे स्कूल दी 14वीं क्लास सात संगत ब्रह्म बिरति बन जाती है आखो सतनाम ध्यान देना ब्रह्म बिरति किन्नू माड़ा गवां ये बड़ी वड्डी क्लास है ब्रह्म बिरति बन गई किन्नू लंबा दवां जिन्हें सामने कुछ किया उहदे विच भी तू ही है भाई पिंदरपाल सिंह जी का यह 14वीं क्लास बारे बचन है कहिंदे जिसनों ब्रह्म बिरति की क्लास मिल जाए उहदी अवस्था बन जाती है सुनियो जी जिसनों ब्रह्म बिरति की क्लास मिल जाए उहदी अवस्था बन जाती है ओदी अवस्था बन जाती है जेड़ी जोत मेरे पुत्र विचे ओहो जोत मेरे गुआंडी दे पुत्र विचे आखो सतनाम बड़ी बड़ी गल मंदा किसनू आखिए मंदा किसनू आखिए जा तिस बिन कोई ना है जा तिस बिन कोई ना है फरीदा खल खलक में खलक वसे रब माए मंदा किसनू या तिसन कोई 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 होएगा जिदी है 14वीं क्लास ब्रह्म बिरती बने
जिदी ब्रह्म बिरती दी वस्था बन जावे असलियत विच ओ दुश्मन दा भी दिल नहीं दुखाउणा चाहुंदा। जिदी ब्रह्म बिरती दी वस्था बन जाए उन्हों चानना हुंदा है, चानना हो जाता है कि इस जगत दे जीव नू दुखी करना रब नू दुखी करना। आखो साधना चौदहवीं क्लास ब्रह्म बिरती बन गई। बाबे नानक दे स्कूल दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न लई उदम करना, बाबे नानक दे स्कूल दी दूजी क्लास मन पुणिया जांदा है चंगे ते मंदे दी पछाण हो जांदी, बाबे नानक दे स्कूल दी तीजी क्लास चंगे कमां वल रुचि वधदी है माड़े कमां वल घटदी है, बाबे नानक दे स्कूल दी चौथी क्लास इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जांदा, बाबे नानक दे स्कूल दी पंजवीं क्लास कुछ पुन दान करन वल रुचि वधदी है, बाबे नानक दे स्कूल दी छेवीं क्लास गुरबाणी विच्चों रस आउणा शुरू हो जाए, बाबे नानक दे स्कूल दी सतवीं क्लास गुरबाणी ओदी डुंगियाई दे विच जाना इंसान शुरू हो जाता है। मेरे लिए प्रेरणा की है, बाबे नानक दे स्कूल दी अठवीं क्लास खाण विच ते होर किरिया च सादगी आ जाती, नौवीं क्लास पहरावे विच सादगी आ जाती, दसवीं क्लास जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो जाता, ग्यारहवीं क्लास विछोड़ा महसूस होण करके बंदा वैराग विच रहिंदा, बारहवीं क्लास सब तो वड्डा रोग होमे ते भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता, तेरहवीं क्लास दैवी गुण आने शुरू हो जाते ने, चौदहवीं क्लास ब्रह्म बिरती बन जाती, बाबे नानक दे स्कूल दी पंद्रहवीं क्लास अभेदता ध्यान देना, अभेदता होती है किसी चीज विच अभेद हो जाना समा जाना, ये बाबे नानक दे स्कूल दी पंद्रहवीं क्लास अभेदता दी प्राप्ति हो जाती। आखो सतनाम। एक बड़े प्यारे राइटर ने रघुवीर सिंह वीर ए पंद्रहवीं क्लास बारे उन्हां दा वचन है, नाम जपण नाल सुनियो, नाम जपण नाल गुरमुख नामी दा रूप बन जांदा, जिहदा नाम है ना जपदिया जपदिया पंद्रहवीं क्लास जदों आउंदा ते उहदा रूप ही बन जांदा, अभेद हो जांदा, एक दिन आउंदा है नामी दे गुण उहदे विच प्रवेश होने शुरू हो जांदे ने, जो रब दे गुण उह उहदे गुण बन जांदे, आत्म मार्ग विच साई नाल भेद हो जाना यह सब तो आखरी ते सुभाग भरी अवस्था है। आखो सतनाम। अभेदता की प्राप्ति हो जाए, सच्चे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की मोर लग जाए कि पंद्रहवीं अवस्था भेदता की होंदी भी है, कोई एवें तो नहीं सुना रहा, बड़े प्यार ना जी तो ही पंद्रहवीं क्लास लास्ट ते सब तो अनमोल अभेद ही हो जाता है, गुरु का सिख गुरु के चरणों में कर कृपा प्रभ साध मेरी कर कृपा प्रभ साध मेरी, जा देखा तेरा लो बेली अलो बेली अलो बेली कर कृपा कर कर